नगर पंचायत धौरा टांडा से चेयरमैन पद के उम्मीदवार। तीन बार के सभासद शकील अहमद से आज हमारे संवाददाता ने उनके निवास स्थान पर मुलाकात कर खास बातचीत की। बातचीत के दौरान धौरा टांडा नगर पंचायत से चेयरमैन पद के प्रत्याशी शकील अहमद ने हमारे संवाददाता से धौरा टांडा नगर पंचायत के हर मुद्दे पर बड़ी बेबाकी के साथ अपनी बात रखते हुए कहा। शकील अहमद, सभासद नगर पंचायत धौरा टांडा, वार्ड नंबर 14, अब वर्तमान में चेयरमैन प्रत्याशी नगर पंचायत धौरा टांडा। शकील साहब, तीन बार आप पार्षद रहे हैं और जिस वार्ड से भी आप पार्षद रहे हैं, क्षेत्रीय जनता का ये कहना है कि आपने अपने कार्यकाल में काफ़ी काम कराए हैं, लेकिन इसके बावजूद आपको नगर पंचायत धौरा टांडा से चुनाव में क्यों आना पड़ा? देखिए, चुनाव में आने की अनेक मजबूरियां हैं। सबसे अहम मजबूरी तो यह है कि नगर पंचायत धौरा टांडा की जो आवाम है वो बहुत भोली, बड़ी सज्जन आवाम है। इस जनता का लगातार दुरुपयोग नगर पंचायत धौरा टांडा के चेयरमैन जितने बने वो करते रहे और भोली भाली जनता से खिलवाड़ करते रहे। जो आस जनता लगाती है उस आस को चेयरमैन तोड़ते चले गए। मजबूरन इस गरीब जनता का काम करने के लिए मैंने ये बीड़ा उठाया कि मैं चेयरमैन बनकर जो जनता का हनन हुआ है आज तक, उसको मैं ठीक कर सकूं और मैं जनता का हक जनता तक पहुंचा सकूं। मेरी यही मजबूरी है, वरना मैं सभासद से ही काफ़ी कुछ खुश था और बाट की समस्याओं का हल बखूब निकालता रहा। बाट की जनता को जो जनता को चाहिए था वो देता रहा। उसके बाद अदर बाट परेशान रहे, जिस कारण मुझे चेयरमैनी का मुद्दा उठाना पड़ा। शकील साहब, तीन बार आप पार्षद रहे। जी सर। तो तीन बार जब आपने पार्षद का कार्यकाल पूरा किया, जी सर, तो इस दौरान कौन से ऐसे खास कार्य करवाए जिनको जनता यहाँ की उपलब्धि मानती है? बहुत अच्छा सवाल है आपका और रियलिटी में अच्छा जवाब दूंगा। सबसे पहले तो मैं जो आज उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार है बीजेपी, मैं उसका शुक्रगुजार हूँ कि प्रधानमंत्री आवास योजना जैसी एक योजना लाकर रखी। जो लोग परेशान हाल थे, दादा परदादाओं से छप्परों में खपड़ेलों में अपनी ज़िंदगी काट रहे थे, यही एक ऐसी योजना थी जिसके द्वारा वो लोग अपने बच्चों को लिंटर में पक्के मकान में सुला रहे हैं। अब ये काम मेरे लिए नहीं है, मगर मैंने जब देखा कि जनता की बदहाली है, बुरी पोजीशन है और इनका कोई पुरसान हाल नहीं है, तो शुक्र है उस परवरदिगार का, मैंने 865 से अधिक मकान अपनी कलम से ढूंढा के कर्मचारियों के माध्यम से मैंने बनवाए और मकान बनवाकर मुझे लोगों की दुआएं भी मिली और मेरा इरादा भी चेयरमैनी में मजबूत हुआ। उसके बाद विधवा 60 साल गरीब बच्चियों की शादी, इन तमाम चीज़ों में मैंने सहयोग करा और सरकार से मदद ली। और मैं समझता हूँ कोई भी नेता हो, अगर कोई चाहे इस सरकार से मदद लेना व्यक्तिगत, अनेक ऐसी योजनाएं बना रखी हैं हमारे प्रधानमंत्री जी ने कि वो योजना किसी का चेहरा देखकर नहीं मिलती है। वहाँ तक कोई पुकार लगाने वाला हो तो योजना 100% मिलेगी। तो ये काम मैंने सिर्फ जनता की खुशहाली लाने के लिए ये काम मैंने करे हैं और इसके ही आधार पर, इसी मुद्दे पर मैंने इलेक्शन में चेयरमैन लड़ने का आवाज़ दे दिया। उसके अलावा मैं अनेक उन अधिकारियों को आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से उनका शुक्रिया अदा करूंगा, उन अधिकारियों का जिन्होंने नगर पंचायत धौरा टांडा की
बदहाली, जो गरीब लोग, जो परेशान लोग, जो आवाज़ से बहुत दुखी थे, उन्होंने सहयोग कर कर ये कार्य मेरे साथ में किया है, मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ। शकील साहब, आपने जो भी अपने कार्यकाल में सभासद रहते कार्य कराए, लोगों को आवाज़ दिलवाए, पेंशनें दिलवाई और जो भी सरकारी योजनाएं थी उनका लाभ दिलवाया, अब जब आप चेयरमैन के प्रत्याशी हैं तो कोई वार्ड नहीं बल्कि पूरा टाउन जो है उसका नेतृत्व की जिम्मेदारी होगी, तो इसके लिए क्या क्या कार्य आप कराएंगे, क्या क्या योजनाएं हैं आपकी? देखो भाई साहब, नगर पंचायत दौरा टांडा में अगर सच पूछोगे, अब से 20 साल 25 साल पहले जो नगर पंचायत दौरा टांडा हमारा था वो जिले में नाम आता था, जिले में। अब 25-30 साल से इधर नगर पंचायत दौरा टांडे का इतना बुरा हाल है कि हम कहते हुए भी शर्म खा रहे हैं कि हम खुद प्रतिनिधि 3-3 बार बनने के बाद में हम कुछ नहीं कर पाए। उसका मेन कारण यह है कि सभासद की कोई ज़्यादा वैल्यू नहीं होती है हमारे नगर पंचायत दौरा टांडा में। कानूनन वैल्यू बहुत है पर दौरा टांडे के अंदर कुछ नहीं। खैर, मैं किसी को दोषी ना ठहराते हुए हमारे नगर पंचायत के अंदर बहुत इंडस्ट्रीज, एक एरिया अगर बनाया जाए तो है, और राइस बहुत बहुत दूर तक नाम है हमारे दौरा टांडे का, चावल नगरी कह के मशहूर है, मगर हमारे बच्चे वांछित, हमारे बच्चों का इतना बुरा हाल है कि हमारी 18 साल से ऊपर की लड़कियां मार्कशीट को लेकर, इंटर करने को लेकर बरेली के धक्के खाती हैं, दर बदर ठोकरे खाती घूमती हैं। मैंने कांग्रेस पार्टी का, मैं एक नगर अध्यक्ष हूँ और मैंने कांग्रेस से अपना आवेदन भी भरा है, इसके अंदर भी इन समस्याओं का विवरण दिया है, जो मेरी पार्टी ने मांगा है उसका विवरण दिया है। जैसे कन्या इंटर कॉलेज की समस्या मैंने इसमें लिखा है, कन्या इंटर कॉलेज फर्स्ट नंबर, ताकि ये लड़कियां दर बदर ठोकरें ना खाएं। दूसरी बात, सरकारी अस्पताल की समस्या, मेरे गरीब बहन भाई परेशान होते हैं दवा के लिए, दर बदर ठोकरें खाते घूमते हैं, तेरे मेरे आगे हाथ भी फैलाना पड़ जाता है कभी कभी, उनको किराए के पैसे ना मिल पाते तो वो दवा कहाँ से लाएंगे। तो कहने का मतलब, सरकारी अस्पताल की समस्या, बेरोजगारी की समस्या, आज 18 साल से 25 साल तक का बच्चा परेशान बेरोजगार है, ठेली चलाकर या टुकटुक चलाकर अपने बच्चों का गुजारा कर रहा है, तो वो बेरोजगारी की समस्या का निस्तारण इंशाल्लाह चेयरमैन बनने के बाद करूँगा। उसके अलावा सरकारी स्कूल में निःशुल्क पढ़ाई होना, जो कि बच्चे परेशान हैं, यतीम गरीब, और जब उनके माँ बाप, पहले तो उनके माँ बाप नहीं है, जिसके माँ बाप हैं उनको खाने का, जब समय पर खाना ही नहीं है तो वो बच्चों को क्या पढ़ाए अपने, तो उन बच्चों के लिए मैंने सोचा है कि निःशुल्क। उसके बाद सड़क निर्माण, रोड की समस्या, चौड़ीकरण, यानी कि हमारे नगर पंचायत दौरा टांडा के अंदर जब हम बिजनेस का काम हमारे दौरा टांडे में लोग करते हैं तो हम डल्लभों से बजाय, तंग रास्ता होने की वजह से टुकटुकों से माल लेके जा रहे हैं, जिसके कारण हमारी जो मजदूरी है वो भी ज़्यादा जा रही है। तो चौड़ीकरण होना बहुत ज़रूरी है, जिसकी वजह से कि हमारा पूरा माल एक बार में चला जाए। उसके अलावा जगह जगह जल भराव, अभी बारिश की समस्या है बहुत, मामला आप देख ही रहे हो, आप भी आए हो नगर पंचायत दौरा टांडा में, बरेली से या साई से कहीं से तो आए होगे, आपने देखा होगा क्या कंडीशन है, जल भराव जहाँ जहाँ, रोड इतनी बुरी स्थिति में, अगर हल्के फुल्का मर्ज वाला आदमी अगर वो बरेली का रास्ता आटा मांडा से क्रॉस करना चाहे तो आधा बीमार पड़ जाता है। फिर सरकारी बरातघर होना बहुत ज़रूरी है, हमारे गरीब लड़कियों की शादी हो रही है, जो अमीर हैं वो तो 15,000 रुपये देकर अपनी बेटी की शादी करा लेते हैं, जो गरीब हैं वो जहाँ तहाँ रोडों पर या इधर उधर की जगह मांग कर बेचारे, तो बाहर के जो मेहमान आते हैं बड़ा शर्म महसूस होती है, और हमारे जो यहाँ पर जनप्रतिनिधि हैं या आगे जो बनेंगे सभासद और जो मौजूदा चेयरमैन हैं, आज तक किसी ने ये नहीं सोचा
कि हम सरकारी बरातघर बना दें जिसके कारण इन गरीबों की बेटियों की भी शादी हम अमीरों की बेटियों जैसी हो जाए। तो मैंने सोचा कि मैं गरीब बेटियों की शादी सरकारी बरातघर बनवाकर इंशाल्लाह उनको बराबर का ओहदा देना चाहता हूँ। डिग्री कॉलेज की समस्या, डिग्री कॉलेज होना बहुत ज़रूरी, पर डिग्री कॉलेज नहीं है हमारे नगर पंचायत धौरा टांडा में। इंडस्ट्रीज बहुत हैं, राइस मिल हम 7-7 करोड़ के लगा लेते। उसके अलावा प्रदूषण की समस्या जिसके कारण बुजुर्ग बच्चे बेहिसाब बीमार पड़ते चले जा रहे हैं, इस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया है। उसके अलावा गरीब लड़कियों की विवाह में सरकारी मदद होना नहीं हो पाती है। इंशाल्लाह अगर मैं चेयरमैन बनता हूँ, और अच्छी बात है अल्लाह घर से आवाज़ आ रही है, वादा कर रहा हूँ इंशाल्लाह मैं चेयरमैन बनता हूँ, तो मैं गरीब बेटियों की शादी में व्यक्तिगत जो मदद करूँगा वो खामोशी से करूँगा, जो सरकारी मदद होगी इंशाल्लाह वो करा के दूँगा। इस मुद्दों पर मैं चेयरमैनी का इलेक्शन लड़ना चाह रहा हूँ, और आपके चैनल के माध्यम से मैं जनता से भी अपील करूँगा कि हक के लिए आप दुआ करें, खास करके मेरे लिए इसलिए दुआ कर दें कि मैं अपनी ज़िंदगी में गरीबों के साथ जिस तरीके से पेश आता हूँ उससे, और जब मेरे हाथ में पावर आ जाएगी तो इंशाल्लाह उनको उम्मीद होना चाहिए कि मैं गरीबों के साथ और अच्छे तरीके से पेश आऊँ, ताकि उन गरीबों को आपके बराबर में बैठा सकूँ और उन गरीबों का हक सरकार से पहुँचा सकूँ। खुद मेंबर हैं जी, क्या कारण रहा कि गौरा टांडा नगर पंचायत का विकास नहीं हो पाया, कोई कार्य नहीं हो पाया, सरकारी सुविधाएं नहीं मिल पाई लोगों को, इसके लिए आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? मैं इसके लिए सबसे पहले अपने बोर्ड को जिम्मेदार मानता हूं, और मेरे बोर्ड के जो भी सभासद हैं, मुझको लगा के 15 हम सभासद हैं इस 5 साल के कार्यकाल में, अभी किसी सभासद ने एक बार भी ये आवाज़ नहीं उठाई कि हमारे बोर्ड के जो अध्यक्ष होते हैं, जैसे कि हमारे बोर्ड के अध्यक्ष साइन जहां गुड्डी हैं, एक बार मीटिंग में देखने के बाद आज तक मैं उनको मैंने मीटिंग में नहीं पाया। हमारे चेयरमैन पति इफ्तिकार अहमद ही बोर्ड की मीटिंग लेते, एक जनप्रतिनिधियों की मीटिंग एक आम आदमी लेगा तो नगर पंचायत का विकास कैसे हो सकता। हम जैसे जो जनप्रतिनिधि जो इस कानून को जानते हैं, हम 15 मिनट भी वहाँ पर नहीं बैठ पाए, उपस्थिति रजिस्टर में साइन करा और भाग गया, और ना ही हमने किसी चीज़ का, जब हमने इस चीज़ का खंडन किया कि भाई जो चेयरमैन महोदया वो बोर्ड में होना चाहिए, हमको उल्टे सीधे जवाब मिले। यहाँ तक कि अपनी बेइज्जती कराने का हमें शौक नहीं था, जो हम उनके मुँह लगते गरज ये कि हम जो है अपने आप को साइलेंट हुए, जिस तरीके से व्यक्तिगत हमने लोगों के अपने बाट की समस्याओं को सुलझाया है वो केवल अपनी वजह से, अपने हिसाब से। चेयरमैन या नगर पंचायत के द्वारा हमको कोई भी इस तरीके का बेनिफिट नहीं मिला जो हम जनता तक पहुंचा सकते थे। मनमानी होती रही, पूरे 5 साल गुजर गए। मैं सारे सभासदों से हाथ जोड़कर अपील करूँगा कि आप अगर इस कंडीशन में, जैसे कि 5 साल तुमने काटे हैं, इस कंडीशन में फिर से 5 साल काटने का अगर मन बनाए हुए बैठे हो, तो अल्लाह के वास्ते या हिंदू भाई हैं तो भगवान के वास्ते मैं आपसे हाथ जोड़कर अपील करता हूं कि आप जनप्रतिनिधि बनने के लिए अपना आवेदन ना करें, क्योंकि आप जनता के हित में कोई काम नहीं कर पाए हो, और ना ही तुम जनता के हक के लिए नगर पंचायत टोहरिया के दफ्तर में बोर्ड की मीटिंग में कुछ बोल पाए हो। आप लोगों ने जो घोर अन्याय किया है जनता के साथ, वक्त ज़रूरत जब तक जिंदा हो कोई बात नहीं है, बाद मरने की भी ऊपर वाले को हिसाब देना है, और जिसको अल्लाह का खौफ हो तो वो मिम्बरी और चेयरमैन ना लड़े, जो जनता के हित में काम कर सके उसको ही हक है कि वो मिम्बरी और चेयरमैनी जैसे शब्दों का नाम अपनी जुबान से निकाले। हमारे नगर पंचायत टोहरिया में आपने देखी होगी, आप जब वहाँ से आए होगे बरेली से, तो माशाल्लाह बहुत मुद्दतों से एक पानी की टंकी बना रखी है। वो केवल नगर पंचायत धौरा टांडा की एक पहचान है कि नगर पंचायत है, इसमें एक टंकी बनी हुई है। अगर इस धौरा टांडे का एक बंदा
एक आम आदमी ये कह दे कि कम से कम 15 साल से इस टंकी का एक पानी का बूंद भी देखा है, क्यों जनता के धन का दुरुपयोग किया गया, क्यों सरकारी धन का दुरुपयोग किया गया, ये बनाकर 100 में ऐसी खड़ी कर दी गई। उसके बाद 5 साल गुजर गए, हमारे नगर पंचायत धौरा टांडा के अंदर कागजों में काम बहुत बेहतर हुआ है, इतना बेहतर काम तो कोई किसी के बस की बात नहीं है, इतना बेहतर काम हमारा अधिशासी अधिकारी जो हमारे नगर पंचायत धौरा टांडे में, इस तरीके का अगर अधिशासी अधिकारी पूरी यूपी में बैठ जाए तो यूपी का बेड़ा गर्क हो जाए। हम आवाज़ उठाते उठाते परेशान है, शासन मूर्ख बनकर हमारी बात को सुन तो लेता, उसके बाद उस पर कोई एक्शन नहीं लेता, इसलिए हम वापस भी गए। ब्रजेश गुप्ता वार्ड नंबर 1 थक गए, पूरे 5 साल गुजर गए, कम से कम मैं समझता हूँ 10 किलो उनके पास प्रार्थना पत्र जैसे कागज 10 किलो वजन के उनके पास होंगे, आज तक किसी ने उस पर कोई एक्शन नहीं लिया। यहाँ तक के शासन के लोग उनको पागल घोषित कर देते हैं, बताइए कोई अगर शिकायत लेकर पहुँचे। उसके बाद अधिशासी अधिकारी, मैं इनको फोन करते करते परेशान दुखी आ गया, नाले वार्ड नंबर 14-13 के बॉर्डर पे देखें आप, पूरे नाले बंद है, बारिश होने लगी, घरों में पानी भर रहा है। अधिशासी अधिकारी ने आज तक कम से कम 20 कॉलें करी, मेरे मोबाइल से रिकॉर्ड निकाल कर देख सकते हो, अगर झूठ हो तो मुझ पर कार्रवाई करिए, अगर मैं झूठ बोलता हूँ मेरे रिकॉर्डिंग पर इनसे बात करिए, और कहा कल सफाई हो जाएगी, परसों सफाई, बस यही हालात रहते हैं। लाइट है, स्टील लाइट लग रही है, कागजों में दर्शाया जाता है, बल्ब भी ना पूछ रहे हैं बाटो के अंदर, ये कंडीशन है। मच्छरों की दवा 2-2 बार दर्शाई जाती है, आज तक ये बता दें अगर पूरे 5 साल में ज़्यादा अगर मच्छरों की दवा छिड़की होगी तो मैं समझता हूँ 2 से 5 मरतबा पूरे 5 साल में। उसके अलावा 3.5 लाख से 4.25 लाख रुपये अलाव खर्चा निकाला जाता है, जब पूरे दौड़ डांडा की आवाम अगर ये साबित कर दे कि इन्होंने एक पापलर की लकड़ी के अलावा जो तेरे मेरे 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 और के खातों में जड़ें पड़ी हैं खेतों में, वो जड़ें मिल पर बुलाई गई, तेरे मेरे मिल पर लगा दी, वही जड़ें जहाँ तहाँ भेज दी, और 3.5-4 लाख रुपए अलाव के निकाल लिए गए। ये केवल अधिशासी अधिकारी ने कागजों में दर्शाया है, आप खुद घूम कर देख लें नगर पंचायत धौरा टांडा के अंदर विकास, मुझे दिखा दें टांडे के अंदर कितने रोड डलवाए उन्होंने लिखत में। एक पार्क बनवा रहे थे कुंडे वाली मस्जिद के पास में, मैं चाहता हूँ शासन से एक बार उस पार्क को डीएम लेवल से मतलब अच्छे जो अधिकारी साफ सुथरे पार्क हों वो आके देखें तो कौन सी पार्क बनाई गई है, कितना रुपया निकाला गया। ये हमारे नगर पंचायत धौरा टांडा की बदहाली का राज है, जो मजबूरन आज आपके सामने आपके चैनल के माध्यम से मुझे कहना पड़ा। मैं आज भी इस चीज़ से वापस होता हूँ कि मैं एक प्रार्थना पत्र लिख के शासन को नहीं दे सकता, क्योंकि उस पर अमल ना होकर और मेरी बुराइयाँ शुरू हो जाएंगी। मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से भी कहूँगा कि अगर कोई अधिकारी यहाँ पर जिला बरेली के अंदर साफ सुथरा बढ़िया कोई अच्छे अधिकारी हों, उनसे ये जाँचें कराई जाएँ, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हमें भाजपा सरकार ने नगर पंचायत टौरिया में बहुत बजट दिया, पर वो बजट जनता तक नहीं पहुंचा। शकील साहब, आप हमारे चैनल के माध्यम से अपनी नगर पंचायत की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं आपके चैनल के माध्यम से नगर पंचायत की जनता को एक ही संदेश देना चाहता हूं कि इन झूठे फरेबियों से और जो सफेद कुर्ते पहनकर आपको जो गुमराह करते हैं, या जो राजनीति में पार्टनरी जैसी चीज एक बिजनेस बनाकर, इन लोगों से जब तक हमारी नगर पंचायत धौरा टांडा की जनता पीछे नहीं हटेगी, नगर पंचायत धौरा टांडा का विकास नहीं हो पाएगा। मैं इन लोगों से हाथ जोड़कर अपील करता हूं कि इन लोगों से बाज आ जाए और इन लोगों से घिन खाएं, जैसे कि ये लोग तुमसे 5 साल तक घिन खाते हैं। वोट देने के बाद तुम कामयाब करते हो तो तुमको 5 साल तक मुड़ के नहीं देखते, इस बार अल्लाह के वास्ते तुम ऐसे लोगों को मुड़कर मत देखो। और हक बात कहने वाला, हक प्रत्याशी, आप जैसा आपसे मिल के रहने वाला प्रत्याशी ही चुने। अगर मुझसे भी बेहतर तुमको कोई लगे जो गरीबों की मदद कर सकता है तो आप लोग मुझसे कहें, इंशाल्लाह आपके साथ खड़े होकर मैं भी उसको चुनने का काम करूँगा।